बिहार कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का ससुराल भी है, गाली वाली आता है देने के लिए अपने दामाद को? बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए कुछ तो हमको गाली। बूढ़ा बाबा के पकल पकल बाल हो, एगो मरद पर तीन तीन गो नारी, बता द बाबुआ दुनिया में सबसे ऊंचा ही लहराएगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आए हैं अब धा कुमार, कुमार मेरी सखिया, स्वागत में गाना सुना। देखिए ये सौभाग्य सिर्फ बिहार को ही प्राप्त है, जहाँ की प्रभु श्री राम को लोग प्रणाम करते हैं और बिहार के लोग प्रभु श्री राम को गाली दे करके उनका स्वागत करते हैं। राम लला की रामायण और नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए पटना में सर्दी बहुत है और सर्दियों के बीच श्री राम का नारा लग रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं 22 जनवरी को और यहाँ पे देखिए महिलाओं का नारा लगा रहा है, महिलाओं का ताता लगा हुआ है। तो देखिए जय श्री राम का नारा गूंज रहा है राजधानी पटना में और महिलाओं में उत्साह देखते बन रहा है। 108 कलश आज लेकर के सभी महिलाएं रोड पर उतरी हैं और जय श्री राम का नारा लगा रही है। हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जो है आज जो है नवरत्न मंदिर सचिवालय कॉलोनी के प्रांगण में कल जो है हमारा मंदिर का पुनर्स्थापना किया जा रहा है, पुनर्द्वार हो जा रहा है, उसका आज कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाला गया है और इसके बाद कल जो है प्रतिमा का स्थापना अनावरण किया जाएगा। देखिए कल जो है 22 जनवरी को प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है, जय श्री राम का नारा है और भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ऋषिकेश से जल मंगवाया गया है और यहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा यहाँ पे मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। राम करुणा कराम जगदीश्वर जय शंभो नाथ, राम करुणा कराम जगदीश्वर कल 22 तारीख को श्री राम प्रभु आ रहे हैं। प्रभु के आने से पहले सीता मैया आ चुकी थी, तो धर्म की विजय उसी समय हुई थी जिस समय धरती से सीता मैया निकली थी और शक्ति का संचार की थी। तो आज हम लोग शक्ति को जो देख रहे हैं, सब कलश उठा के हम लोग देश में शक्ति का संचार कर रहे हैं। राम धर्म को लेके आए हैं तो हम लोग शक्ति को लेके आए हैं। बिहार कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का ससुराल भी है। हाँ तो ससुराल है, इसीलिए तो हम लोग ससुराल से उनका कुछ गाली वाली आता है देने के लिए अपने दामाद को? बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए कुछ तो हमको गाली। जनकपुर के नारी बता द बाबुआ, लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबुआ ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल बाल हो, बूढ़ा बाबा के पकल पकल बाल हो, एगो मरद पर तीन तीन गो नारी, बता द बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबू बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबुआ दशरथ कौशल्या जी गोरे गोरे बारन, दशरथ कौशल्या गोरे गोरे बा राम लक्ष्मण काहे श्याम बारे, बता
अयोध्या के लाला सब तू पर पातर बारन, अयोध्या के लाइक सब तू पर पातर बारन, तैयो जे खा ललन भर थारी, बता द बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबुआ जय जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता एके मरद बापे तीन तीन नारी, एके मरद बापे तीन तीन नारी, बता द बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबुआ लोगबा देते काहे गारी, बता द बाबुआ। देखिए ये सौभाग्य सिर्फ बिहार को ही प्राप्त है जहाँ की प्रभु श्री राम को लोग प्रणाम करते हैं और बिहार के लोग प्रभु श्री राम को गाली दे करके उनका स्वागत करते हैं। ये सौभाग्य सिर्फ बिहार को ही प्राप्त है। अब हम लोग, मेरे रामचंद्र जी हमारे जनकपुर हमारे मिथिला के दामाद हैं, इस नाते से हम उनका तिलक भी करेंगे। तो उस तिलक का गीत है कि देखिए भूल रहे हैं, तिलक का गीत है माथे पे शोभे चंदना चलिलार हो, माथे पे शोभे चंदना लीलार हो, सजाओ सजाओ सखिया मेरे राम जी को ऐसे, सजाओ सजिया मेरे राम जी को ऐसे, सजाओ सखिया माथे पे तिलक शोभे माथे पे मौरिया, माथे पे तिलक शोभे माथे पे मौरिया, गले में शोभे वैजंती माल हो, सजाओ सजाओ मेरे सखिया मेरे राम जी को ऐसे, सजाओ सजाओ सखिया। बिहार की महिलाएं काफी उत्साहित हैं और प्रभु श्री राम को अपनी ही लिहाज में गीत के माध्यम से गाली भी दे रहे हैं, तिलक का जो गीत होता है वो भी सुनाई और तमाम तरह का जो सौभाग्य है बिहार को जहां प्रभु श्री राम का प्रणाम करते हैं अभिवंदन करते हैं और यहां का लोग जो है बिहार को ये सौभाग्य प्राप्त है कि बिहार के ही लोग प्रभु श्री राम को गाली दे सकते हैं चूंकि बिहार का दामाद माने जाते हैं प्रभु श्री राम और यहाँ का दामाद है और पाहुन है इसलिए पाहुन को हमारे यहाँ गाली भी सुनाया जाता है और बेटा से ज्यादा प्यार भी किया जाता है। ये मंदिर जो है से हम लोगों का कॉलोनी जो सचिवालय कोऑपरेटिव है इसका बहुत पुराना मंदिर है और पूरा लोग इस जितना पूजा पाठ आस्था जो इनका भगवान में है वो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये बहुत प्राचीन मंदिर था तो उसको हुआ कि नहीं इसका जीर्णोद्धार होकर के नया मूर्ति का स्थापना किया जाए, बड़ा मूर्ति का, बहुत छोटा मूर्ति पहले इस मंदिर में उसी को नया मूर्ति बनवा के अभी उसका जो है से स्थापना समारोह चल रहा है जो कल प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। भाई सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री आह्वान किए हुए हैं कि सब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इस तरह का कार्यक्रम हो तो इससे उससे योग्य समय तो हमको नहीं कोई दूसरा समझ आ रहा था। पहले हम तो 17 तारीख को किए थे
लेकिन जब प्रधानमंत्री का आह्वान हो गया तो हम कहें कि नहीं, अयोध्या के साथ ही हमारा भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो। क्या कहिए, कल भंडारा है और भव्य पूजा, दिन भर कल पूजा चलेगा शाम नवरत्न मंदिर सचिवालय कॉलोनी में, उसके बाद संध्या में भजन कीर्तन होगा और 8 बजे से भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे मोहल्ले वासी इवन समस्त पटना वासी को निमंत्रण है, आप सब आइए और भंडारा का, भगवान के भजन का आनंद लीजिए। कई जगह जो है प्रभु श्री राम को लेकर एक आयोजन किया जा रहा है और वहीं पे आज नवरत्न मंदिर के द्वारा आज ये कलश यात्रा निकाला गया है, कल भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है, सभी पटनावासी को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम तो जरूर ही लिखें कमेंट बॉक्स में और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, धन्यवाद।